हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये वाला जो लुक है वो मैंने कैसे रिक्रिएट किया। इसके लिए मैंने सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश किया। एंड फेस वॉश करने के बाद फिर मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज करके प्राइमर अप्लाई किया। देन अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन ना मैं इसे डॉट डॉट करके लगा रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि फाउंडेशन पूरी स्किन पर अच्छी तरह से अप्लाई भी हो जाता है एंड ब्लेंड करना भी ईजी होता है। तो क्या है ना, हमारे घर पे ना पूजा थी और मुझे उसी के लिए रेडी होना था, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट करके आपके साथ शेयर किया जाए कि मैं पूजा के लिए कैसे रेडी हुई। मैंने फाउंडेशन नेक पे भी लगाया ताकि स्किन टोन इवन हो सके। फिर मैंने वेट ब्लेंडर से फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड किया। फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद मैं अब लगा रही हूँ कंसीलर। कंसीलर में से तो अपने हाई पॉइंट्स पर भी लगा रही हूँ। फिर मैंने उसको ब्लेंडर की दूसरी साइड से कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड किया। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने कंसीलर और फाउंडेशन को सेट करने के लिए लूज़ पाउडर का यूज़ किया। लूज़ पाउडर से मैं कंसीलर और फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ। फिर मैंने ना ब्लश लगाया। ब्लश एकदम मैं कम ही लगा रही हूँ। फिर मैंने अपने चीक, नोज़ एंड जो लाइन को हाईलाइट किया। कर रही हूँ अपने आईब्रो। आईब्रो को तो हमेशा पूरा टाइम देखकर ही फील करना चाहिए, क्योंकि आईब्रो एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपके लुक को पूरी तरह से बना भी सकती है एंड बिगाड़ भी सकती है। तो इसीलिए आईब्रो पे तो आप स्पेशली ध्यान दिया कीजिए। देन आईब्रो करने के बाद फिर मैं अब लगा रही हूँ काजल। काजल लगाने के बाद फिर मैंने लगाया मस्कारा। मस्कारा करने के बाद फिर मैंने आईलाइनर लगाया। आईलाइनर में तो ऑफकोर्स टाइम लगता ही है, क्योंकि दोनों आँखों में सेम आईलाइनर लगाना भी एक टास्क ही है। आईलाइनर लगाने के बाद फिर मैंने ना अपनी आउटफिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि मेरा लहंगा रेड एंड वाइट है, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग मेकअप करना था, तो मैंने फिर रेड लिक्विड लिपस्टिक लगाई। फिर मैंने अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग रेड आई शेडो लगाया। फिर मैंने आउटफिट के अकॉर्डिंग ही रेड बिंदी लगाई। रेड बिंदी लगाने के बाद फिर मैंने अपने इस पूरे लुक को कम्प्लीट किया सिंदूर से। तो सिंदूर के तो क्या ही कहने यार, सिंदूर आपके लुक में चार चांद लगा देते हैं। मैंने अपने इस लुक को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मेकअप सेटिंग स्प्रे से फिक्स किया। एंड दिस इज़ माय हेयर स्टाइल एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। कैसे लगा आप सबको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।